नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फजर उर रहमान वार्ड क्रमांक 43 पार्षद पति राजा जिंसी की ओर से शहर एवं प्रदेश वासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम शहर और प्रदेश वासियों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब हम मिलकर गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। देश में आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह का लाल परेड मैदान में आयोजन किया गया। इसके लिए मैदान को आकर्षक ढंग से सजाया गया और उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की गईं। मुख्य समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल सुबह 9 बजे ध्वजारोपण किया। इसके बाद उन्होंने खुले वाहन से परेड का निरीक्षण किया और परेड को सलामी दी। इस अवसर पर शस्त्र बलों द्वारा हर्ष फायरिंग भी की गई। इस बार परेड में शस्त्र बलों के अलावा एनसीसी स्काउट एंड गाइड, अवसरोही दल और डॉग स्क्वाड ने भी हिस्सा लिया। मार्च पास्ट के बाद राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस पर प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। समारोह में स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। स्कूली बच्चों ने महिला सशक्तिकरण पर अपनी नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति के बाद लाल परेड ग्राउंड पर झांकियों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। अद्भुत मध्य प्रदेश की थीम पर 20 विभागों की झांकियां परेड में प्रस्तुत की जा रही थी, जिसमें पहली बार झांकी उद्यानिकी विभाग की रही, जिसमें प्रदेश की विभिन्न औषधि फसलों और फलों की जानकारी दी गई। दूसरी किसान कल्याण और कृषि विभाग की झांकी प्रस्तुत की गई। इस बार मोटे अनाज और विशेष रूप से प्रस्तुत की गई। इसके बाद कुटीर उद्योग खेल विभाग और मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की झांकियों की प्रस्तुति की गई। मध्य प्रदेश जेल विभाग की झांकी और विशेष सुरक्षा इकाई जानकारी दी गई। कैदियों के व्यवहार में सुधार के लिए किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी गई। पर्यटन विभाग के महाकाल महालोक की उपलब्धि को झांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। ग्रामीण विकास विभाग ने पेशा कानून की जानकारी दी। राजस्व विभाग की झांकी पहली बार प्रस्तुत की गई। मछुआ कल्याण विभाग ने स्मार्ट फिश पार्लर और मछली पालन की जानकारी दी। महिला बाल विकास विभाग ने लाडली लक्ष्मी योजना की जानकारी दी। वहीं वन विभाग की झांकी में कूना के चीते छाए रहे। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। विकास दर ऋणात्मक थी, जो वर्ष 21-22 में प्रचलित भावों पर देश में सबसे अधिक 19.74% हो गई है। इस वर्ष 48,800 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय के लक्ष्य की पूर्ति के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश को शांति और सद्भाव वाला प्रदेश बनाए रखने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। प्रदेश में भू माफिया, चिटफंड माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, राशन माफिया, मिलावट माफिया आदि के विरुद्ध प्रभावी निरंतर कार्यवाही की गई है। माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर गरीब आवासहीनों के लिए सूरज कॉलोनिया के निर्माण का निर्णय सरकार ने लिया है। मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। धरना प्रदर्शन जुलूस या सांप्रदायिक हिंसा के दौरान सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान की वसूली के लिए पहली बार कानून बनाया गया है, जो जबरदस्ती महिला फुसला कर विवाह और धर्म परिवर्तन रोकने के लिए प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया है। प्रदेश में पिछले 1.5 दशक में 4,00,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया है। भारत सरकार से भी प्रदेश में सड़क निर्माण में भरपूर मदद मिली है। राजमार्ग परियोजना और केंद्रीय सड़क निधि में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक
नई सड़कें स्वीकृत हुई है। सिंचाई के क्षेत्र में प्रदेश में क्रांति हुई है। कैन विकवा लिप्त योजना परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। बुरहानपुर जिले को 100% हर घर नल जिला बनाने का गौरव हासिल हुआ है। अब तक लगभग 56 लाख घरों में नल से पानी पहुंचाने का कार्य किया गया है। जल संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश में अमृत सरोवर योजना में 5,000 से अधिक तालाब बन रहे हैं। किसान भाई बहन सच्चे अर्थों में प्रदेश के विकास की रीढ़ है। किसानों की खुशहाली और खेती की लाभदायी बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसान कल्याण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विगत लगभग 3 वर्ष में 2,25,00,00,000 रुपये से अधिक की राशि किसानों के खाता में अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत 1,000 से अधिक गौशालाओं का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में अंतर्गत देश में सर्वाधिक टीकाकरण प्रदेश ने किया है। प्रदेश में 3,31,000 पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं, जो देश में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत चिन्हाधीन 28 श्रेणियों के 58 लाख नवीन हितग्राहियों को सम्मानित कर लाभान्वित किया जा रहा है। अंतर्गत 2 चरणों में 82 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग आरक्षण के साथ स्थानीय निकायों के चुनाव कराने में सफल रही है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित किया गया है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना 2022 स्वीकृत की गई है, जिसके माध्यम से अगले 2 वर्ष में 6,000 और स्वरोजगार के लिए 30,000 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकेगा। मोहम्मद जहीर, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी शहर एवं प्रदेश वासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बना था। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। और हमारा भोपाल आमान शांति का गहवारा है। आइए हम सब मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।